कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के आरक्षण को वो हाथ लगा के दिखाए। विदेशों में जाकर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, उन लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, और जब देश में होते हैं तो इनकी भाषा अलग होती है, लेकिन विदेश में जाके राहुल गांधी का असली कांग्रेसी चेहरा नजर आता है। ये वही कांग्रेस है जिसने देश के सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको धक्के देके कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया। आज कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुभा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग को गाली देते हैं। एक गरीब आदमी का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया वो कांग्रेस से पच नहीं रहा है। तो जिस आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी करते हैं, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी जनता तुम्हारा जीना हराम कर देगी, तुम आरक्षण को हाथ लगा के दिखाओ।